बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे ईद उल अधा स्पेशल कलेजी का सालन। घर के ही नॉर्मल मसालों से बना कलेजी का सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। मसालेदार कलेजी का सालन एक बार मेरी तरह से बनाकर देखें, इंशाल्लाह घर के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कलेजी को साफ़ किस तरह से किया जाता है वो भी इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए कलेजी के सालन को मैं किस तरह से बनाती हूँ देख लेते हैं। बकरा ईद स्पेशल कलेजी का सालन बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम कलेजी ली हूँ और देखिए इस तरह से छोटे पीस करवाई हूँ। अब इसे सबसे पहले हम धोएंगे, साफ़ करेंगे। तो इसे साफ़ करने का तरीका आज मैं बताऊँगी जिससे कि कलेजी अंदर तक अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन में पानी। अब उसमें डालेंगे हम सफ़ेद सिरका, जो वाइट विनेगर आता है ना, तो वो डालना है। तो 2 से 3 चम्मच डालना है। तो ये 3 चम्मच मैंने डाल दी हूँ। कलेजी को अभी मैंने धोई नहीं हूँ, बस काट कर रखी हूँ। अब ये विनेगर वाले पानी में कलेजी को डाल देते हैं। अब इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पानी में, ताकि कलेजी अच्छी तरह से साफ हो जाए। देखिए विनेगर डालने की वजह से कलेजी में से सारा वेस्ट निकल चुका है और कलेजी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसे मैं साफ़ पानी में डाल देती हूँ। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप हल्के से गर्म पानी से भी इसे धो सकते हो। तो इसे इसी तरह से 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे हम। फिर उसके बाद गैस की तरफ चलते हैं इसे पकाने के लिए। गैस पे मैंने एक कुकर रखी हूँ, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, बारीक बारीक काट कर इसे डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमें हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई करना है। देखिए प्याज यहाँ पर हल्की सी सुनहरी हो गई है। इस टाइम पर डालेंगे हम कलेजी, जो हमने अच्छे से धोकर रखी है। इसे मैंने जाली वाले बर्तन में रख दी थी ताकि सारा पानी निकल जाए। अब डाल देते हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कलेजी में पहले से ही नमक डाल देते हैं ना, तो कलेजी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक डालकर जब कलेजी को बॉईल करते हैं ना हम, तो कलेजी के अंदर तक नमक का टेस्ट आ जाता है। 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं अदरक लहसुन नमक और हल्दी के साथ। हम ये कुकर में कलेजी को पहले बॉईल करके ले गए, जिससे फटाफट कलेजी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर 1 मिनट हो गए। कलेजी में जो भी पानी था वो अच्छे से सूख चुका है। अब कलेजी को गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये 1.5 गिलास पानी मैंने डाल दी हूँ। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे हम और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटियां लगा लेनी है। यहाँ पर कुकर की 5 से 6 सीटियां हो गई थी, मैंने गैस बंद कर दी हूँ और कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। कलेजी को चेक कर लेते हैं हम। अभी गर्म है, ये देखिए कलेजी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। और जो हमने प्याज को हल्का सा सुनहरी करके डाला था ना, प्याज हल्की सी फ्राई करके डाली थी, उसकी वजह से प्याज भी देखिए अच्छे से इसमें गल गई है। तो इस तरह से गली भी होती है ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी स्मूथ बनकर तैयार होती है, ये देखिए। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं हम। गैस पे कढ़ाई रखी हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल ली हूँ, इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच तेल है ये। मूंगफली के तेल से खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं हम। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ ही सूखे मसाले भी डाल देते हैं हम।
दो चम्मच है धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच है लाल मिर्ची का पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी पाउडर लिए। तो ये मसाले भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ा सा तेल में भून लेते मसाले को। अब मसाला जले नहीं इसके लिए जो कलेजी को बॉईल करके स्टॉक बचा है ना, यही स्टॉक थोड़ा थोड़ा डालकर हम मसाले को भूनेंगे। तीन से चार मिनट तक मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आपको ज़रूरत पड़े मसाला जलता हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डालकर मसाले को अच्छे से भून सकते हो। जितनी आप मसाले की अच्छे से भुनाई करोगे ना, उतना ही अच्छा हमारे कलेजी के सालन में टेस्ट आता है। एक्स्ट्रा के कोई भी इसमें मैं मसाले नहीं डालूंगी। जो घर में हमारे नॉर्मल मसाले डाले जाते हैं ना, बस उसी मसाले से ये कलेजी का सालन बना रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है सालन। यहाँ पर देखिए धीमी आँच पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली हूँ और मसाले में से तेल भी ऊपर आ गया है। तब तक आपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। अब डालेंगे इसमें बॉईल की हुई कलेजी। तो अभी स्टॉक थोड़ा है वो बाद में डालूंगी मैं, पहले कलेजी को डाल देते क्योंकि कलेजी को हम मसाले के साथ भूनेंगे ना तो मसाले का फ्लेवर पूरा पूरा कलेजी के अंदर आ जाता है। ये देखिए स्टॉक थोड़ा है, अभी मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पर सब कलेजी डाल दी हूँ मैंने। अब कलेजी की भी भुनाई कर लेते हैं मसाले के साथ। तो यहाँ पर धीमी आंच पर ही मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भी भून लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मसाले के साथ कलेजी की भी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, कलर भी बढ़िया सा आ गया है। अब डालेंगे इस टाइम पर हम जो कलेजी का स्टॉक बचा है तो वो डाल देंगे। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा का कोई भी पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी लुतपुती सी ग्रेवी बना रही हूँ मैं। मसाले वाली कलेजी होती है ना उस तरह से बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से। आप चाहे तो थोड़ा पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मसाले वाली कलेजी होती ना तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में रोटी के साथ। मैं इसमें अभी मसाले के हिसाब से नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने कलेजी को बॉईल किया था ना तो उस टाइम पर मैंने नमक डाली थी। तो आपको अगर लगे कि नमक थोड़ा कम लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल सकते हो। तो अभी इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं और पकने देती हूँ। तो यहाँ पर कलेजी का स्टॉक डालने के बाद भी मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पका ली हूँ और आप देख सकते हो इस तरह की ही हमें ग्रेवी चाहिए थी। मसालेदार कलेजी का सालन ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते और गर्मा गर्म इसे डिश आउट कर देते। ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है और इसकी ग्रेवी भी देखिए लुतपुती सी। कलेजी एक एक उठा कर खाओगे ना आप रोटी के साथ तो बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। तो अभी आपको मसाले में तेल दिख नहीं रहा होगा लेकिन जैसे थोड़ा ठंडा होगा ना तो तेल अपने आप ही इसमें से ऊपर आने लगता है। तो इसे थोड़ी देर के बाद मैं डिश आउट कर लेती हूँ। हमने इसमें ना ही टमाटर डाला है, ना ही दही डाला है, ना ही खड़े मसाले है कोई और ना ही बिरस्ता डाला है। फिर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी के भी साथ खाओ तो बहुत ही मज़े का लगता है, या फिर नान के साथ खाओगे भी ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे ससुराल में बकरा ईद के टाइम पर ये कलेजी का सालन इसी तरह से बनाया जाता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें कोई झंझट भी नहीं है। एक तरफ कलेजी को बॉईल कर लो और इस तरह से मसाला भूनकर कलेजी को मिक्स कर दो तो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आज का मसालेदार कलेजी का सालन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।